है जो कि सिर्फ इंडिया में आके काम कर रही है और उनका नेपाल में कोई ब्रांच नहीं है, और जो जिसको वो काम के लिए प्रलोभन के नाम पर ट्रेनिंग देते हैं वो भी सिर्फ नेपाली को देंगे, किसी इंडियन को उसमें वो अपने ना तो एंट्री करते हैं कि नहीं हमारे पास आपके लिए कोई नौकरी नहीं है, वो सिर्फ नेपाल वालों के लिए। तो ये काफ़ी अचंभा है कि नेपाल की कम नेपाल के लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं लेकिन उनका ऑफिस इंडिया में, और नौकरी भी किसको देंगे, सिर्फ नेपाल वाले को। तो इनका मेन रीज़न एक तो यही निकला कि अगर वो इंडिया में रह के किसी भी नेपाली के साथ अगर कोई भी धोखाधड़ी करेंगे तो वो केस रजिस्टर करने जाएगा तो वो नेपाल में करता है, और उसका नेपाल में केस चलता रहता है, और जिसके नाम केस रजिस्टर्ड है वो इंडिया में है तो ना कोई प्रोसिक्यूशन होगा ना आगे कुछ कार्रवाई होगी, और वो वहीं ठप हो जाता है, और मैक्सिमम केस में यही मिलता है। उसके अलावा उन्होंने फिर कुछ टाइम तो ऐसे ही चलता रहा, उसके बाद देखा है कि लोग आने धीरे धीरे कम हो गए, कि पता चल गया कि अब वहाँ जाएंगे कोई फायदा नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने नया ट्रेंड शुरू कर दिया कि आप मेंबर बनाइए मसाला खा लिया कंपनी का, आपने ट्रेनिंग लिया है आपको इतनी सैलरी मिलेगी और 2 से 3 लाख रुपए आप जमा कीजिए, आपको सैलरी कंटिन्यू मिलेगी, अगर आप पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपका एक ही काम है आप 3 या 4 मेंबर बनाइए और आपका पैसा डबल होके वापस मिल जाएगा। तो जो एक बार खुद फंस गया उसने सोचा कि अब मेरा पैसा कैसे वापस मिलेगा, तो वो वापस नेपाल में जाते हैं अपने साथ वाले किसी को भी जिसको नौकरी की ज़रूरत है उसको, जैसा भी उन्होंने ट्रेनिंग लिया वहाँ 10 दिन 15 दिन उसका प्रलोभन दिया और नेपाल से फिर अपने साथ लेके उसको आ देते हैं। इसके मेन हमारे पास 3-4 कंपनियों के नाम आए हैं, एक जो अभी प्रेजेंटेशन में भी चल रहा था विन, एक वो है, एक ड्रीम डेवलपर्स के नाम से है वो गोरखपुर में है, एक विन है ये बनारस में चल रहा है, और 2-3 कंपनियां हैं। तो सबका मेन फंक्शन यही चल रहा है, और इससे रिलेटेड पिछले अगर 1 महीने की भी बात करें तो हमारे पास 3-4 केस ऐसे आ चुके हैं जिसमें जब बातचीत करते हैं उनसे आप कहाँ जा रहे हैं क्या करना है तो सिर्फ एक कंपनी का नाम होता है उनके पास कि हम विन में जा रहे हैं या हम ड्रीम डेवलपर्स में जा रहे हैं, क्या करना है, कंपनी कहाँ है, क्या काम करने जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता होता है, उनको सिर्फ इतना ही बोला जाता है बॉर्डर क्रॉस कीजिए उसके बाद हम अपने आप आपको ले जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पे SSP है वो सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद तो इंडिया में आया तो सब ये हो जाता है कि इंडिया के हैं कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन मेन बॉर्डर पे ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और वो वहाँ से आजकल अकेले आते हैं, सर खुद अपना एक बैग उनके पास रहेगा, उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो, बोले इंडिया में काम कर रहे हैं, कहाँ जाओगे तो सिर्फ एक शहर का नाम लेंगे, कोई बोलेगा गोरखपुर कोई दिल्ली, कहाँ जाओगे किसके पास जाओगे तो कुछ पता नहीं होता, ऐसे केस में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसमें सबसे मेन फंक्शन हम यही करते हैं कि पुश बैक, किसी नेपाली NGO को बुलाया उनका रिकॉर्ड लिया उनको हैंड ओवर किया, तब आप थोड़ा काउंसलिंग कीजिए और इनको जहाँ से आए कोशिश कीजिए कि वापस आए, क्योंकि अडल्ट है और नेपाल टू इंडिया कोई भी या इंडिया टू नेपाल काम करने के लिए कहीं भी जा सकता है, कोई बंधन नहीं है, तो कोई भी कानूनी प्रक्रिया भी उनके खिलाफ नहीं कर सकते कि वो सिर्फ बोल रहे मैं काम करने जा रहा हूँ, और ना उसके साथ उसका ट्रैफिकर होता है ना।